नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक आज का तबसरा में हाज़िर खिदमत है। आज हमारे मेहमान जनाब खैर मोहम्मद कलाची और डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सोमरू हैं। आज हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। खैर मोहम्मद कलाची साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। कलाची साहब आप जो हैं यहाँ पे एक एसोसिएशन है उसके कर्ता धर्ता भी हैं या रूह रवां हैं, तो उसके मुतल्लिक कुछ बताइएगा हमें। हाँ, जैसे आपने मेरा तारुफ़ कराया, मेरा पूरा नाम खैर मोहम्मद कलाची है। मैं बाय प्रोफेशन, आजकल जो मेरा प्रोफेशन है वो राइटर की हैसियत से और जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। और कम्युनिटी में मैं जब से आया हूँ अपनी मैं एक्टिविस्ट हूँ, और हमारी बहुत ही सरगर्म तंजीम है सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके प्लेटफॉर्म पे हम कम्युनिटी की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आगे भी उसको बढ़ाते रहेंगे। उसके साथ इल्मी अदबी सरगर्मियाँ भी मुख्तलिफ फोरम पर करते रहते हैं, तो यूँ जो है ना अदब की खिदमत का मौका भी मिलता है और कम्युनिटी अपनी जो है उसको खिदमत भी करते रहते हैं हम लोग। डॉक्टर गफ़ार साहब आप ज़रा बताइए अपने मुतल्लिक कुछ। जैसे आपने फरमाया, मैं बेसिकली ENT सर्जन, लास्ट पोस्टिंग दो मेडिकल कॉलेज सोला हॉस्पिटल कराची से जी। उसके बाद में सऊदी अरब में, उनके बाद अभी अमेरिका में आई एम द डायरेक्टर ऑफ सर्जरी। अच्छा। और हमारी जो मोहब्बतें और सारी चीज़ जो कनेक्शन हैं सिलसिले में इधर आए हुए थे। अच्छा। खैर मोहम्मद कलाची साहब के पास। अच्छा अच्छा। और मेरी बहन और बहनोई भी हैं इधर। अच्छा। डॉक्टर शाहिद कुरैशी, तो ऐसे ही मुलाकात हुई तो आपने मदु किया और हम हाजिर हुए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू टोरंटो, वेलकम टू कनाडा। कलाची साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और अदबी हैसियत से भी और पॉलिटिकली हैसियत से भी हम जो भी सिंध का मसला होता है, क्योंकि देखें हम सिंध में बहुत कम जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं तो अपने इलाके में जाके एक महीना गुजारते हैं, आ जाते हैं। सिंध के मुतालिक जब हमने कोई बात करनी होती है तो हमारे पास एक ही ज़रिया है जो कलाची साहब हैं, हम कलाची साहब से बात करते हैं कि यार ये क्या है। तो आज हम इनसे भी बात करेंगे, आपसे हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, हमारे भी हेल्थ के इश्यूज होते हैं और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज हैं। कलाची साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, कलाची साहब जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से एक अखाड़ पछाड़ का माहौल बन चुका है, कुछ दिन यकजहती रही और उसके बाद एकदम ही एक हालात ने पलटा खाया और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार हो गई, क्या कहते हैं हम? देखिए मलिक साहब, जमहूरियत में तो टॉलरेंस और मिलजुल के चलना बुनियादी ज़रूरत है। अपोजिशन जो है वो जमहूरियत की रूह समझी जाती है। स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी तो हुकूमत सही काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी उसको निशानदेही करने वाला नहीं होगा कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल में जो हमारे मिजाज हैं अभी मुकम्मल तौर पे जमहूरी नहीं हो सके हैं बदकिस्मती से। वहाँ सियासत क्या है कि ज़ोरदार नारे लगाओ, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गलत है सही है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करो, और मुखालफीन का जायज़ बात भी न सुनो, और जितना उनको रगड़ा दे सकते दो तो उससे अपने साथियों में उनकी वाह वाह होती है। तो उस एक जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, ये आज का नहीं है, पुराना है। मौजूदा दौर में भी मुख्तलिफ हवालों से एक मरहले पे हुकूमत अपोजिशन ने हुकूमत को यकीन दहानी दिलाई और प्रैक्टिकली बाज़ मौक़ों पर साथ देने की एक अमली मुजाहरा किया। फिर अभी जो है इंडिया पाकिस्तान की जो ये झड़प हुई उसमें भी अपोजिशन ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए यकीन दहानी कराई और मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया।
लेकिन बात यह है कि हुकूमत में जो भी वक्त की हुकूमत होती है उसमें एक होता है एक दो लीडर या एक ग्रुप, बाकी होते हैं उनके साथ वक्ती तौर पे जो मिल जाते हैं या जिनको कैरियर बनाना होता है, फर्स्ट टाइम आ जाते हैं कैरियर बन जाए और वो कैरियर समझते हैं कि मैं मुखालफों को जितना लताड़ूंगा मेरा कैरियर बनेगा। उस फलसफे के तहत ये गलत काम हो रहे हैं। यूँ लगता है कि हमारी जो भी हुकूमत आती है ना उसकी लीडरशिप एक घेरे में आ जाती है, घेरा सियासतदानों का, घेरा ब्यूरोक्रेसी का, घेरा टेक्नोक्रेट्स का। वो आदमी ख्वाहिश करता है काम करने की, अब उसको जिनको असाइनमेंट देता है वो रास्ता ही उसको गलत दिखाते हैं। तो वो अकेला आदमी तो हर चीज़ की गहराई में नहीं जा सकता। अब सब इतने वियनरी तो नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को देख के समझ जाएं कि नहीं ये गड़बड़ हो रही है, वो तो ब्रीफिंग पे चलते हैं। ब्रीफिंग ऐसी होती है, मैं एक वक्त इजाज़त देता तो मैं मिसाल दूँ। अब ब्रीफिंग में तो राइट आउटफॉल ड्रेन सीम को जो है ना नाला निकाला गया एक जी, 10-15-20 अरब जो भी समझो कि स्कीम थी किसी बैन अल-अक़वामी इदारे की मदद से। वापडा के टेक्नोक्रेट्स ने कहा कि ये ज़बरदस्त है, ऐसे क्या होगा कि जो है ना ज़मीनें बंजर जो है ना सीम व थूर खा रही है वो आबाद हो जाएंगी, ज़रात बढ़ेगी। अब इतने अच्छे प्रोजेक्ट को कौन इनकार कर सकता है। बिल्कुल। अब एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो सीम का पानी आके मंचूर झील में डाल दिया। अच्छा। मंचूर झील एशिया के बड़े झीलों में शुमार होती है, बहुत बड़ी झील है, उसका सारा पानी ख़राब हो गया, सारी मछली तबाह हो गई। और पीर अली मोहम्मद राशिदी अपने किताब में लिखता है कि दादू में मंचूर के इर्द गिर्द एक अपनी पूरी दुनिया है और कल्चर है, वहाँ रोज़गार भी है, वहाँ ज़रात भी है, वहाँ बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं। तो एक दुनिया थी जो किससे लेती देती नहीं थी, बिल्कुल हुकूमत पे बर्डन नहीं थी। अब टेक्नोक्रेट्स ने एक रुख दिखा के हुकूमत को प्रोजेक्ट करवा दिया, अब इलाका तबाह हो गया, मंचर तबाह हो गई, वापडा वाले कहते हैं कि जी बस हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। तो अब इस टाइप की बातें जो है ना हुक्मरानों को टेक्नोक्रेट और साथी सियासतदान मिसगाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा सीनियर वो बिगड़ा है ना, उसमें भी इमरान खान से ज़्यादा उनके वो जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं उन्होंने बिगाड़ा है। जान के बयान आते थे, सख्त देते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है, असेंबली के अंदर सख्त बयान देते हैं, बाहर निकल सख्त बयान देते हैं, माहौल ठीक हो रहा है बिगाड़ देते हैं। तो अब यह है कि ज़रूरत इस बात भी है कि साथी हुकूमत सही चुने तो कुछ बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जैसे खैर महमूद कोलाची साहब ने फरमाया, पानी एक हयात है, जैसे मंचर जो है एशिया की बड़े में बड़ी झील है, सिर्फ मछली नहीं थी लेकिन उनके साथ जो परंदे आते हैं जी जी उनका भी सारा मामला ख़राब हो गया। और जिन लोगों का रोज़गार या लोग जाते थे सैर करने के लिए, तो वो जो पूरी आबादगारी है तो पूरे का पूरा खत्ता जो है सिर्फ आउटकम जो थी जो सेम और थोर के पानी की, इस तरीके से ही आप कहें आज के दौर में कि आप एक फैक्ट्री लगाएं जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट हो जो जहरियात के जो निकासी हो वो आपके पीने के पानी में या किसी में शामिल हो जाए, तो आउटकम से नुकसान जो है उसको ना देखा जाए तो उसको आदमी एक मुकम्मल कामयाब प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें शको शबात बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी एक बड़ी भयानक मिसाल ये भी है। जी जी जी। तो उसके हिसाब से जो नुकसान उस खित्ते का या लोगों का होता है सेहत के हिसाब से या रोज़गार या इकानमी के हिसाब से, वो वाज़ह तौर पर आदमी को तवज्जह लाना चाहिए और उनके ऊपर गौर करना चाहिए या उसकी कोई सदेबाब होना चाहिए। शुक्रिया कलाची साहब। अभी आपने वापडा की बात की और टेक्नोक्रेट्स की बात की और ये एक अरसा लगा रहा पाकिस्तान में काला बाग डैम का, और अभी वो कि जी सिंध नहीं है मानता,
خیبر پختونخوا نہیں مانتے, بلوچستان نہیں مانتا. پھر اس کے بعد ابھی ایک اور ڈیم کی بات چل رہی ہے جس میں سابق چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کمپین شروع کی, اس کے بعد حکومت بھی شامل ہو گئی, ٹیکنوکریٹس نے بھی کہنا. تو یہ سلسلہ کہاں چلے گا اور کہاں ختم ہوگا؟ دیکھیں, پہلے کالا باغ ڈیم کا ایشو بہت گرم ہوا, جس میں مشرف صاحب نے بھی پرسنلی مداخلت کی اور دورے کیے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اب کالا باغ ڈیم کی حمایت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بدقسمتی سے انہوں نے اسلام آباد, کراچی اور لاہور کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہے, نہ وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں. ایک سمپل سا سلوگن ہے وہاں کہ جی پانی ضائع ہو رہا ہے. پرویز مشرف صاحب آخر کیوں وڈرا ہوئے اس پروجیکٹ سے؟ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی سینئر بیوروکریٹ اے جی این قاضی کے سربراہی میں, اے این عباسی کے سربراہی میں. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ پچھلے 50-55 سال میں صرف 10-11 سال تھوڑا سا پانی وافر مقدار میں رہا ہے, باقی سالوں میں اتنا پانی نہیں تھا کہ روکا جا سکے. تو جب وہ پانی نہیں ہے تو ڈیم کس بات پر؟ پہلی بات ان کی دلیل یہ تھی کمیٹی کی. دوسری بات, صرف پانی کو ضائع ہونے کا فیکٹر دیکھا جاتا ہے, لیکن جہاں یہ ڈرین ہوتا ہے پانی ٹھٹا میں سمندر پہ, یو این او کو تک کو انوالو کیا گیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ 6 ملین ایکڑ فٹ پانی منیمم, پہلے تو 10 کی بات تھی کہ 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے, لیکن 6 تک وہ چلے گئے کہ 6 بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا, کہ اگر وہ پانی سمندر میں نہیں گرا تو سمندر کا پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا, اس کے اثرات. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 30 لاکھ ایکڑ ٹھٹا کی زمین غیر آباد ہو چکی ہے جی سمندر کے اوپر اس کا اثر چڑھنے سے. اور یہ رپورٹ ہے یو این او کی کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو 10-15-20 سال میں بدین ڈسٹرکٹ اور ٹھٹا ڈسٹرکٹ, ٹھٹا جو کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں 400 مدرسے تھے اور علم و ادب کا مرکز تھا, خوشحالی کا مرکز تھا, یہ دونوں ڈسٹرکٹ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. یہ یو این او کی رپورٹ ہے. اچھا, اور مسلسل وہ پانی بڑھ رہا ہے, اور سندھ کا اچھی خاصی علاقوں میں پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی بھی کڑوا ہو چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے وہ کڑواہٹ, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, آدھی سندھ کی زمینیں تباہ و برباد ہو گئیں جو لوور خاص طور پہ پارٹ ہے. اب ضرورت اس بات بھی کی ہے کہ اس ماحولیات کو بچانے کے لیے یا جو ایگزسٹنس علاقے بچانے کے لیے ہیں کہ منیمم پانی کا اخراج وہاں سمندر میں ضروری ہے. بالکل, جو یہ کرنا نہیں چاہتے. اب ڈیم کی بات جہاں تک آتی ہے, تربلا ہو یا منگلا ہو, اب شکایت کیا آتی ہے گرمی کا جب سیزن شروع ہو جاتا ہے کہ جی شروعات ہے, ڈیم خالی ہو گیا ہے, بھرنا ہے فصل کے لیے, تھوڑا رکو 15-20 دن مہینہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سیزن گزرنے لگتی ہے. پچھلے دنوں جو ہے نا یہ خبریں 2-3 سال سے آ رہی تھی کہ جی پانی کی شارٹیج ضرور ہے, پانی کی کٹوتی ہو رہی ہے ہر صوبوں کی. تو امام الدین شوقی نے کہا, اپنا سینیٹر, اس نے سینیٹ میں تقریر کی, اس نے کہا پانی کی شارٹیج 20-30% ہر صوبے میں ہوئی ہے. پروڈکٹ دیکھو جا کے, آؤٹ پٹ دیکھو تو سندھ میں 30-40% لیس پروڈکشن آئی ہے, پنجاب میں 95% آئی ہے. تو اگر پانی کم ہوتا تو 95% آتی کیسے؟ کلاچی صاحب, ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اس بارے میں. ناظرین, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد دوبارہ کلاچی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک مرتبہ پھر کلاچی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر عبدل غفار سومرو صاحب کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ڈیم کی بات ہو رہی تھی اور آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے. خیر مند کلاچی صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے موقفات پیش کیے. یہ جو ڈیلٹا جس کو کہتے ہیں جی, جو سمندر میں پانی گرتا ہے,
जिसकी वजह से माहौलियात की जो बात की गई उसमें मछली सिंध में एक ख़ास तौर पे मछली पल्ला जिसको कहते हैं वो समंदर से ऊपर की तरफ आता है, वो एक ही मछली है जो अपोजिट समत में आती है वो नायाब हो चुकी है उसकी वजह से। और जो लोग माहिगीर थे उनका जो रोज़गार सारी चीज़ें वो भी उसी के साथ चली गईं, और ज़मीन आबाद ना होने की वजह से इकोनॉमिकल सारी एरिया को बंजर और नाकाबले रिहाइश या नाकाबले उस जगह को फिर आबाद करना इस्तेमाल ना करें तो उनको और कुछ नहीं है कि सवाए वो नकल मकानी करें। जी जी, इनके जो असरात सिंध के ऊपर हुए हैं वो बहुत काफ़ी गहरे हैं, जिसकी वजह से हर आदमी डैम की या उन चीज़ों की, क्योंकि पानी आबे हयात है जैसे हमने कहा, ज़िंदगी के साथ उसकी मुंसलक है। कुछ साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल या ईंधन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी पानी की वजह से आदमी को आवाज़ और सारी चीज़ें उठानी पड़ेंगी। बिल्कुल, उसके हिसाब से आदमी जब इकानमी अच्छी नहीं होती तो आपकी सेहत के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? जी जी जी, क्योंकि इकानमी ही चीज़ है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक नंबर पहले आती है, जिसके कहत साली, क्योंकि एक तो आपको प्रोडक्शन अनाज ना हो और फिर इकानमी में कोई इनकम ना हो तो सेहत के असरात तो पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी एक अहम बात की, और जब आपने कहा कि कहत ज़्यादा इलाके बन जाते हैं गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत सोच की वजह से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अखबारात पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं या मीडिया पे जो थर के मुतल्लिक बातें होती हैं कि थर में कह साली है, बच्चे जो हैं छोटी उम्र में उनकी वफ़ात हो रही है। आज खुशकिस्मती से आप हमारे साथ बैठे हैं, कुलाची साहब हैं, आप हैं, तो मैं कुलाची साहब से ये सवाल करता हूँ, कुलाची साहब, ये जो थर का मामला है ये एक्चुअल क्या है और ये किस तरह ये हालात पैदा हुए? देखिए मलिक साहब, हेल्थ का जहाँ तक इशू है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान में सवाए अमीरों के बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को मुनासिब तौर पे नहीं अवेलेबल आवाम को। जो बैकवर्ड इलाके हैं, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे चूलिस्तान हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, कोहिस्तान हो, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ लोगों को सहूलियात नहीं हैं, वहाँ फैसिलिटी ना होने की वजह से तकलीफ़ ज़रूर है। थर में भी शिकायत ज़रूर थी, और क्योंकि रिमोट इलाका है, डॉक्टर भी दिलचस्पी नहीं लेते थे वहाँ जाते हुए, फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसा मसला फोकस में आया तो हमारे इतलात के मुताबिक वहाँ बहुत पैसा खर्च हुआ है और बहुत फैसिलिटीज़, अस्पताल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ। और जो मामला उछला गया है ना, वो एक्चुअल मसले से ज़्यादा सियासी मसला था। बाद लाबियाँ पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डालना चाहती थी, उन्होंने एक मसला इशू किया, उस पर इतना प्रेशर डाला, मिनिस्टर वज़ीर आला उधर भागते फिर रहे हैं। अब वो मसला ऐसा है कि अगर हल भी हो गया है या काफ़ी हद तक हल हो गया है तो भी क्योंकि ज़िंदा है, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट को जब पीपल्स पार्टी को ताना देता है, कहता है देखो थर में क्या हो रहा है, और यहाँ तक कि और कुछ समझ नहीं आता तो उनके मिनिस्टर, गवर्नर या इवन प्राइम मिनिस्टर भी थर आके कहता है भाई मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ, तो आप लोगों के पास सहूलतें नहीं हैं। इतनी बुरी कंडीशन नहीं है इस वक्त जितनी उछाली जा रही है। अच्छा, हाँ, काफ़ी बेहतर है कंडीशन, बाकी इलाकों के ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। बाकी रह गई बात थर जो है ना, वो है रेगिस्तानी इलाका, कहीं 10 घर रहते हैं, कहीं 5 हैं, कहीं लोगों ने अपना ज़मीनों पे घर बनाए हुए हैं। जो शहर हैं वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ हर जगह पाकिस्तान में इतना अभी सेहत की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी, उनके लिए सहूलियात डेवलप नहीं है कि हर एक को घर के दरवाजे तक सहूलत पहुंचाई जाए। लेकिन मैं वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि मसला ज़रूर था, काफ़ी हद तक हल भी हुआ है,
लेकिन ये मसला इस वक्त सियासी मसला बन चुका है और ये जनूबी पंजाब में भी है, ये मुख्तलिफ इलाकों में है, ये कोई एक थर का मसला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आप ये बताइए कि ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ के लिए, ये आप क्या कोई मशवरा देना चाहते हैं या कैसे ये हो सकता है, किस तरीके से? हम अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे थे थर की और उससे पहले पानी की। जी जी। तो जो हिस्ट्री है उसमें एक हाकड़ो दरिया बहता था उस जगह पे, हाकड़ो हाकड़ो, जिसको पॉलिटिकली तौर पे बंद किया गया। तो जब आदमी उस चीज़ को बंद करता है तो उसके बाद में रेगिस्तानी चीज़ें जो हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं। तो वो एक आसार है जो हिस्ट्री के तौर पे खैरमंद कोलाची साहब उसकी तस्दीक करेंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री बताती है कि किस भी तरीके से अगर आप पानी बंद कर दें तो वो ज़मीन या उनके लोग इसी कहत साली और सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। रहा मामला सेहत का, तो बारानी चीज़ होती है थर की। तो बरसात हो तो थर थर होता है, अगर बरसात या पानी नहीं है तो वही रेगिस्तान और बर ही होता है। बात आती रहती है हेल्थ की, जैसे हमने पहले ही कहा इकोनॉमी के हिसाब से जब आदमी को बेसिक खाने के लिए न्यूट्रिशन नहीं होगी तो उसमें ज़्यादातर असर बच्चों को या बच्चों की माओं को होता है। तो उनकी जो निशोनुमा, अगर माँ सेहतमंद नहीं रहेगी तो बच्चा सेहतमंद नहीं आएगा, अगर बच्चा आ जाएगा तो उसकी निशोनुमा एक तो उसकी सेहत होती है, सेकंड उसकी तालीम होती है। तो दोनों की फ़ुकदान अभी भी काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। इसीलिए जो हजरात जो माँ हमारे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं एनजीओस के हिसाब से, उन्होंने उमरकोट में इस तरीके की हॉस्पिटल्स बनाना शुरू की हैं। तो ये चीज़ तब ज़रूरत आती है जब गवर्नमेंट अपना पूरा वायदा या पूरी ज़िम्मेदारी नहीं करती, तभी एनजीओस या खैर वाले लोग आके उधर कोई ना कोई चीज़ करते हैं यूएनओ के हिसाब से। तो अभी भी हेल्थ के हिसाब से बिलखसूसी थर उमूमन सिंध और बाद में बलूचिस्तान या पाकिस्तान पंजाब या सरहद, तो उसमें हेल्थ के हिसाब से उनको प्राइमरी हेल्थ केयर इशू करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये सुना है कि थर में छोटी उम्र की जो शादियां हैं बच्चियों में, ये भी बहुत बड़ा मसला है और उससे काफ़ी ये जो सेहत के मामलात हैं और बच्चों की जो फौतियाँ हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उसमें कल्चर का ज़्यादा हाथ है बचपन में शादियां करने की, ये कल्चरली तौर पे लोग करते हैं। जी जी। बाकी रहा मामला बहुत सारी सेहत के हिसाब से, तो बच्चा पैदा होना हो आप एडल्ट हों या बच्चे हों, तो जनरेशन्स जो आएगी तो हेल्दी तब आएगी जब माँ सेहतमंद होगी। बिल्कुल, जो हमने पहले कहा कि वो तो एक फैक्टर है जिसको हम कल्चरली कह सकते हैं कि बचपन की छोटे उम्र में शादियां करने की जो है। जी जी। कोलाची साहब, ये 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी मिली और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फंड्स होते हैं जो हर साल ट्रांसफ़र किए जाते हैं सूबों को, लेकिन सुनने में ये आता है या हुकूमत जो सिंध की हुकूमत है या बलूचिस्तान की हुकूमत है जब ये कहते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देने थे वो हमें दिए नहीं गए और इस वजह से अगर कुछ हम करना चाहते हैं तो हमारे पास वो फंड्स नहीं हैं कि हम पूरा कर सकें। तो चूंकि आप सियासी तौर पे आप नज़र रखते हैं तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि एक्चुअल मसला क्या है। देखें जी, बड़े मुश्किलों से तो 18 अमेंडमेंट पास हुई। पहले तो सूबों को बहुत महदूद इख्तियारात थे और पता नहीं क्यों हमारे मुल्क के सियासतदानों को या जो भी टेक्नोक्रेट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं
उनको सूबों को इख्तियार देते हुए तकलीफ़ होती है, क्या होगा? सूबों का इख्तियार तो कनाडा में भी है, क्या हुआ है? रेफरेंडम कराया गया, क्यूबेक अलग तो नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ ना कुछ सूबों को इख्तियार दें तो काम करें। ये अच्छा एक अमल था कि 18th अमेंडमेंट सब के राय से, सब के रजामंदी से पास हुई। अब जब उस फार्मूला के तहत जब टाइम आता है पेमेंट का तो तकलीफ़ होती है, इतने पैसे सुबह को जा रहे हैं। अच्छा कुलाची साहब, हम अभी ब्रेक पे जाएंगे और ये जो बात आप कर रहे थे इस ये याद रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर खैर मोहम्मद कुलाची और डॉक्टर अब्दुल गफ़ार सोमरू साहब के साथ बातचीत करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर कुलाची साहब और डॉक्टर सोमरू साहब के साथ सिलसिला शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी कुलाची साहब। हाँ जी, बात हो रही थी अपना 18th अमेंडमेंट के तहत अपने पैसे जो सूबों को देने हैं उनकी। अब बात यह है कि जो फार्मूला तय हो गया है चारों सूबों के कंसेंट के साथ, उसके तहत पैसे मिलने चाहिए। अब फेडरल गवर्नमेंट कहीं कहती है पैसे नहीं हैं, कहीं कहते हैं ये 18th अमेंडमेंट में तरमीम होनी चाहिए। यानी लगता है कि फेडरेशन को तकलीफ़ हो रही है पैसे देते वक्त। और इससे पहले भी मुझे ये भी मालूम है कि जैसे वापडा है, उनके मुलाज़मीन बिजली चोरी करते हैं, उसके बाद सरकारी दफातरों में गैर ज़रूरी तौर पर उनके खाते में बिजली की कंजप्शन डाल के ऊपर ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं जी आपके हिस्से में से ये वापडा का जो है ना बिल काटते हैं। वो कहते हैं भाई बात ये कि पहले पता तो करो, ये जो ना वापडा वालों ने हमारे खाते में बिल डाल दिया, लेकिन वो चुपचाप काट देते हैं ऊपर से। अभी न सिर्फ वो बल्कि दरियाए सिंध से इस्लामाबाद के लिए पानी शार्ट हुआ जी। अब दरियाए सिंध से पानी लेने की बात हो रही है कि जी सब सूबों के हिस्सों से पानी काट के इस्लामाबाद को दिया जाए। अच्छी बात है, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, लेकिन बात यह है कि वो सिंधी रहते कितने वहाँ जी? सिंधियों को नौकरी कितनी दी हुई है? आप जो इतने तादाद है फेडरल एम्प्लॉज़ की, उनमें सिंधियों की तादाद कितनी है? अब हमारे लोगों को नौकरी देते वक्त तो तकलीफ होती है, जब पानी लेना होता है तो फिर हमारा ऐसा हो जाता है जी, जी, जी। तो ये है, फेडरेशन को चाहिए कि खुले दिल से जो भी उनका हिस्सा है उनको दें। अवाम है वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, नेब है दूसरे अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करवाएं, एक एक पैसा कौम की अमानत है, लेकिन जो उनका हिस्सा है उसको देते वक्त आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और उसको रोके ना, यह उनका हक है। जो मेरे ख्याल में फेडरेशन नाइंसाफ़ी कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। जी जी जी, डॉक्टर साहब आप भी कुछ इस बारे में कुछ। क्योंकि जैसे 18 अमेंडमेंट की बात हो रही है कि जब सिंसियरिटी हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर उन सूबों में हो तो उनमें काफ़ी हद तक इत्मीनान होगा, जब प्रैक्टिकली जो कहते हैं वो करेंगे, वरना शक व शुबहात के हिसाब से हर सूबा यही शक के निगाह से फेडरल गवर्नमेंट को देखेगा। ना कि सिर्फ सिंध है, बलूचिस्तान भी है, सरहद भी है, और अगर कोई चीज़ ना भी करता है तो वो सिर्फ पंजाब के इलाके की चीज़ है, क्योंकि सारा मरकज़ और हर चीज़ें जो है उसी इलाके में ही होती हैं। जैसे खैर मन कोलाची साहब ने अच्छी बात कही कि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चाहे फेडरल गवर्नमेंट में नौकरियों की हो या जो भी इदारे हों फेडरल के, उसमें नुमाइंदगी या उनका जो हिस्सा है सारे सूबों का उतना दिया जाए, जैसे फंड भी है। तो वो जब तक इक्वलिटी के हिसाब से ना होगा तब तक ये सारे शक व शुबहात चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, कुलाची साहब से ये मैं पूछना चाहूँगा पहले कि ये जो जाली अकाउंट्स का जो मामला है चल पड़ा है, बाद लोगों से मेरी बात होती है दोस्तों से, तो वो ये जब कि जो कराची का केस है या फलाएँ है वो रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया और
जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक कहा कि जनाब इनका सारा केस जो है वहाँ लेके जाएं। अब बात सिंधी भाइयों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं ठीक है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान में जहाँ भी केस ले जाएं, लेकिन पिंडी के साथ हमारे काफ़ी जो है वो मसाइल हुए हैं पहले भी। सियासी तौर पे आप मेरी बात समझ रहे हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मसला हुआ है या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ या लियाकत अली खान का हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये एक पॉलिटिकल चीज़ है या इस चीज़ को मतलब है ये जो अभी गवर्नमेंट है या सुप्रीम कोर्ट है उनको इस मसले पे नज़रसानी करनी चाहिए? देखें जी, जहाँ तक अकाउंट जाली अकाउंट का शिकायत का ताल्लुक है, कोई भी ये नहीं कह रहा सिंध में भी कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत काम किसी ने भी किया है, करप्शन, हाँ जिसने भी किया करप्शन है, करप्शन की तो हम मुखालफत हर कोई मुखालफत करता है, सिंध में भी सबसे ज़्यादा मुखालफत होती है करप्शन की। अब अगर कोई बात है तो मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। अगर मुकदमा कराची में चलेगा तो भी एहतसाब अदालत के अंडर में चलेगा या बैंकिंग कोर्ट के मतलब अदालत में चलेगा, तो अगर गलत होता है तो देर आर अपीलिएट फोरम, सुप्रीम कोर्ट में उसको देख ले, रिव्यू कर ले। अब यहाँ से केस मुंतकिल करना ये किसी हवाले से समझ में नहीं आता। एक तो वक्त की हुकूमत जो होती है, जो मुखालफ होती है, वो तो चाहती है कि थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाए किसी हवाले से मुखालफ को, ताकि वो प्रेशर में आए और हमारे सामने नाक रगड़े, एक जो एक कल्चर है। लेकिन अदालतों से ही उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ऐसा ही उससे मिलती जुलती सोच रखें कि जिन्हें इधर ले आओ। अब उधर लाने में कोर्ट तो यहाँ पर भी, वो भी आपके अंडर में, पिंडी की कोर्ट भी आपके अंडर में। तो जैसे आपने भी कहा और मैं भी यकीनन उसको समझता हूँ कि पिंडी में पहले क्या हिस्ट्री है, कि क्या हुआ है सियासतदानों के साथ, तो ये एक प्रेशर टेक्निक है और टेक्टिक है, और उसको अच्छा नहीं समझा जा रहा। और पहले ही जहाँ सूबों को शिकायत हैं, ख़ास तौर पे सिंध में मुखालिफ गवर्नमेंट बैठी है फेडरल गवर्नमेंट के, इस टाइप के स्टेप शकशुबात को जन्म देते हैं और बदएतमादी बढ़ती है कि जी बाकी किसी पंजाब वाले किसी का केस है तो वो तो वहीं चलेगा, शहबाज शरीफ का केस वहीं चलेगा, नवाज शरीफ का भी वहीं चलेगा, लेकिन जरदारी का कैसे इस्लामाबाद मुंतकिल होगा। जरदारी की मैं फेवर नहीं कर रहा, लेकिन कहा यह है कि उसूलन वो मुंतकिल नहीं होना चाहिए। या तो फिर नवाज शरीफ के भी सख्त खिलाफ हैं आप लोग, उसको उसका केस कराची भेजें। नहीं तो वो ये तो चलें छोड़ें, ये मलक रियाज का क्या हुआ? ये मलक रियाज वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोलिंग दी है, वो फैसला उनका है, अदालत का फैसला है। आप जो है बीइंग एक्टिविस्ट, हाँ, आप क्या समझते हैं कि अदालत का फैसला किसी को भी समझ में नहीं आ रहा? मुझे भी सख्त रिजर्वेशन है। वो यूं कि ज़मीन थी सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट ने अलाट की थी, तो वो कहती रही कि जी सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 450 बिलियन का एक जुर्माना डाला है, या जो कहा है कीमत लगाई है, और हुक्म दिया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने जमा कराई जाए। ज़मीन सूबे की, वसीला ये सूबे का, और पैसे फेडरल गवर्नमेंट को दो, ये फैसला कम अज़ कम हमारे समझ मैंने आपसे सवाल किया। जी ये कम अज़ कम ये होना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये पैसा सिंध गवर्नमेंट ज़ाया करेगी, इंसाफ से खर्च नहीं करेगी, तो कोई अदारा बनाती कि ये उस इलाके के लोगों के वेलफेयर पर खर्च हो, उसकी मॉनिटरिंग करें, जैसा कि नवाज शरीफ केस में कहा गया कि जी इसके मॉनिटरिंग करेंगे कि ये इस टाइम पे मुकम्मल होता है कि नहीं होता। बिल्कुल, तो इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती थी इस अमाउंट की, किसी अदारे को दे के, नया अदारा बना के, कुछ भी है। लेकिन सूबे के पैसे मरकज़ को दे देना, पहले ही मरकज़ जो है सूबे जो है ना पैसों का पे मसले फंसे हुए हैं, डोनर है, वो ये पैसे भी ले जाना। तो ये वैसे ही शिकायत है कि सिंध के वसाइल को फेडरल गवर्नमेंट लूट रही है, उसका फ़ायदा वो उठाती है, सूबों को कम फ़ायदा देती है। तो इस सूरत हाल में इतना ओपन फैसला, ज़मीन के पैसे फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की, तो ये वैसे समझ में नहीं। साहब आप इस बारे में कुछ फरमाएंगे? क्योंकि जिस जगह की
मिल्कियत है, क्योंकि असल में यही खदशात हैं, जैसे बदीन में गैस है, सेम बलूचिस्तान में सुई की जो चीज़ें थी, या जो भी मादनियात या जो भी ज़राए होते हैं, जैसे कराची में बंदर है, पोर्ट है जी जी, तो उनकी जो इनकम या जो सारी चीज़ है तो उसी सूबे में लगानी चाहिए। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में वो बिजली का है, बिजली का है, तो ज़मीन सिंध की है और पैसा फेडरल को जाए, और फेडरल जो भी असासे सिंध के हैं वो भी डायरेक्टली उधर ही जाते हैं, और आर्मी के हिसाब से जैसे नेवी है, नेवी तो समंदर में होती है जी जी, और वो या तो सिंध में हो या बलूचिस्तान में, समंदर तो उसी तरीके से है जी जी। तो उनका हेडक्वार्टर या वो सारी चीज़ें उसी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बंदर की जो ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिकली रेवेन्यू है वो तो डायरेक्टली ही सिंध को ही जानी चाहिए बिल्कुल, और जो ही वसाइल हैं तो उनको देने चाहिए। तो ये ज़मीन जो अभी हुई है बहरिया टाउन की, तो उनके पैसे भी उन्हीं जगह को मिलके डेवलप करना चाहिए। कराची साहब, आते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी, पहले वज़ीर आज़म साहब ने, असद उमर साहब ने एतराज़ किया। देखें, नाम अगर आप माँ का लास्ट नेम जो है वो अगर रखें या बाप का नाम, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया के किसी हिस्से में भी आप चले जाएँ ये ऐसी बात नहीं होती। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने जाके तकरीर की सिंध में, और बड़ा लान तान की, तो ये बिलावल पे एकदम सब ने चढ़ावा जो है, मतलब चढ़ाई जो है कैसे कर दी, और ये क्या बिलावल से इतने खौफजदा हैं? पहले तो ये इसको बच्चा कहते थे, अब इसकी सारी पॉलिसियों पे वो सब तनकीद कर रहे हैं। देखें मलिक साहब, उसमें जैसे आपने फरमाया कि नाम कनाडा में तो एक फॉर्म भर दें आपका नाम चेंज हो जाता है जी जी, अगर वहाँ पर भी वो अपना नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंजीनियर है तो उसके इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने तो कोई बुराई नहीं है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने तो कोई बुराई नहीं है, तो सरदारी साहब का या बेनज़ीर का बच्चा अगर सियासतदार बनता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे उसको भी राइट है। अब सवाल यह है कि बिलावल ने सियासत शुरू की है, बिलावल का पहले तो जब गवर्नमेंट को डर था कि कहीं हमारी तादाद पूरी ना हो, कानून साजी में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, तो बिलावल को असेंबली में आते वक्त बड़े सरगर्मी से वेलकम की गई, क्योंकि वो थोड़ा सा डर खौफ में थे। अब जो है हालात थोड़े बदले। काजी साहब, पता नहीं क्या है, फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद खैर मोहम्मद कोलाची साहब के साथ फिर बातचीत करते हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सोमरो साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक मरतबा फिर खैर मोहम्मद कोलाची साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सोमरो साहब के साथ बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी कोलाची साहब, आप बात कर रहे थे बिलावल की। हाँ, तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, डर था एक, तो वो ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते थे। अब थोड़ी सूरत हाल बदली है, तो बिलावल और आसिफ जरदारी ने भी अपना मुखालफाना किरदार को थोड़ा सा सख्त करना शुरू किया है, तो उनको तकलीफ़ है। जरदारी साहब तो केसों में फंसे हुए हैं, और जरदारी साहब पिछले 15-20 सालों से इतनी तो उसके ख़िलाफ़ करप्शन प्रोपेगेंडा की गई है कि वो थोड़ा सा उसका नाम उन्होंने ख़राब करने की पूरी कोशिश की है, तो अब वो उन सब वो समझते हैं कि इसको सज़ा भी दे देंगे तो लोग समझेंगे कि करप्ट आदमी को सज़ा दी। अब बिलावल एक नया खून है, उसने कोई धंधा धंधा किया है ना, रिश्वत लिए ना, अहदे पर आए ना, कारोबार किया है, तो अब वो नया उठा और पहले दिन से असम्बली में तकरीर या बाज़ मौजू पर बात करते हुए उसकी जो रोल था थोड़ा सा बैलेंस नज़र आया, बातचीत में एक सुलझा हुआ आदमी वाला तसव्वुर सामने आने लगा। फिर जब वो
उसको खुद बुलाया गया कोर्ट में या उनके कारकुन गए और उन पे से थोड़ी मतलब तीर बरसाए गए, तो उसने भी एक नौजवान है, एक सियासतदान है और एक परेशान में डाला जा रहा है उसको, तो उसने भी रिएक्ट किया, सख्त रिएक्ट किया है, तो उस पर फिर ये उसको जो है ना जवाब देने की पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये ज़ातियात की सियासत से शुरू करते हैं हमारे सियासतदान, उसके पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बस उसको टके का बना दें कोई भी हो सियासतदान। ऐसा नहीं है, उसूलन अगर वो बात करता है तो बात का सियासत का जवाब सियासत दिया जाए, अगर कोई बात है तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बिलावल अगर करता है तो काफ़ी हद तक वो, क्योंकि वो एक टारगेट में है, उसका रिएक्शन तो समझ में आता है। हुकूमत जो बैठी है जिसको टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, उसको वो बिलावल से बढ़ के जो रिएक्ट करती है तो उससे लगता है कि उनके लोग या तो इमेच्योर हैं या कुछ एग्रेसिव हैं या पॉलिटिकल अभी उनकी तरबियत, सियासी तरबियत नहीं हुई जिसके अंदाज से सियासतदानों वाली बात करें वो। बिल्कुल, और ये जो मुराद अली शाह साहब हैं इन पे भी काफ़ी लोग इतराज़ करते हैं, और क्योंकि वो आपके भी दोस्त हैं, लेकिन हम थोड़ा उससे हट के बात करते हैं कि क्या जो मुराद अली शाह हैं वो अपना जो वज़ीर आला का जो उनका काम है वो अहसन तरीके से कर रहे हैं। मलिक साहब, अगर हकीकत बयान की जाए तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में कोई वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, पार्टी, वहाँ के सियासतदान, लाबियाँ असरअंदाज होती हैं। जहाँ तक मुराद अली शाह का पिछले 8-10-15 सालों के वज़ीर आला जो रहे हैं उनके कंपैरिजन में अगर उसको कंपेयर किया जाए उसकी कारकर्दगी को, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, रिएक्ट करता है, हर चीज़ पे एक्शन लेता है, अच्छा काम कर रहा है। अब सब लोगों को मुतमइन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कंपेरेटिवली उसकी कारकर्दगी ठीक नज़र आती है। और ये जो GDA बना है डॉक्टर साहब, ये इसका क्या रोल है? अभी आपसे बात करते हैं डॉक्टर साहब, आप भी ज़रा हेल्थ के मुतलिक अब कोई आप बताइएगा। GDA को आप छोड़ देते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हेल्थ के मामले में पाकिस्तान के लोगों के ऑन द होल, ये कैसे इसको हल किया जाए? क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा आप कोई बात नहीं कर सकते। जब आपकी आदमशुमारी की फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो तो आप पता नहीं कर सकते कि कितने बड़े हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। जी, हेल्थ सारों लोगों की एक ही है, चाहे वो एल्डरली हों, यंग हों, औरतें हों, चाइल्ड बियरिंग एज में हों और चिल्ड्रेन हों। तो हेल्थ सब की बराबर होती है और सब डिफरेंस होता है। तो पहली तो बात यही है कि डेमोग्राफिक सर्वे की जाए पूरी, और उसके बाद में उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, और उसके बाद में प्राइमरी केयर के लोग, उनके ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि उनकी फ़िज़िकल होनी चाहिए और उनके बाद में उनकी एक एक इंडिविजुअल, क्योंकि एक एक लाइफ होती है। जिस तरीके से आप कनाडा में बैठे हुए हैं या दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ये एक बेसिक नेसेसिटी है, जिस तरीके से तालीम की है कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, इस तरीके से हर बच्चे की। तो ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए ही सारी चीज़ें ना होनी चाहिए कि तालीम भी वही हासिल करें और सेहत भी उन्हें फैसिलिटी उनके लिए हों। तो जैसे आपने कहा तो वो शुरुआत होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। को जब तक आपको फैट्स एंड फिगर्स नहीं होंगी, तब आप मिसाल के तौर पे आप किसी को मदु करते हैं एक दावत में, आपके पास एक हाल है 50 सीट का, आप उसमें 200 लोगों को तो नहीं बुला सकते ना। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोविजन है या जो बजट है या डॉक्टर या जो लोग उनको देखभाल कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपका प्रॉपर चीज़ बना सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरी तरीके से बना सकते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से डेमोग्राफिक सर्वे ना करेंगे।
और लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन ना देखेंगे. बिल्कुल ठीक है. तो हेल्थ में सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ, वो सिर्फ सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में या सरहद में ना, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से जनरली होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं. लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड निकाले हैं कि ये पता नहीं 7 लाख रुपया या समथिंग, तो क्या ये जो तरीक़ाकार है इस तरीके से, क्या ये फिजिबल है, ये हो सकता है? क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से आपने दूसरी चीज़ें भी देखी होंगी कि लोग गुर्दे बेचने के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं कि हाउ मच दे आर गोइंग टू पे टू सर्वाइव. हेल्थ का तो इशू नहीं आया उनका, तो उनकी प्रायोरिटी तो सर्वाइवल है ना. जैसे हमने पहले ही कहा, तो इकोनॉमिकल तौर पे आपको खाने के कोई चीज़ नहीं होगी तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हेल्थ होगी या 3 वक्त की रोटी होगी? 3 वक्त की रोटी पहले है. बिल्कुल हाँ. वो अपना कलाची साहब, वो बात हो रही थी GDA की. मैं समझता हूँ कि GDA सिर्फ बना है एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बस उन जो भी बात हो उन्होंने, वो जो हमारे हलीम शेख साहब हैं गालबन उनका नाम है, तो उन्होंने भी वो तहरीक इंसाफ की वो टोपी पहन ली है. और क्या कहते हैं उनके उनकी पॉलिटिक्स के मुतालिक, और ये अपना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब क्यों खामोश है? मलिक साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हो या उनको एडवाइस देनी हो, मैंने बहुत सारे कॉलम उन पे उस पर लिखे हैं, ठीक, क्रिटिसाइज भी किया है. हाँ हाँ, करना चाहिए. तो बाकी ये है कि GDA क्यों नहीं कामयाब रहा, पीपल्स पार्टी को अब क्यों रिस्पांस अभी भी मिल रहा है, उसकी एक वजह है पीपल्स पार्टी के लीडरों तक लोग पहुंच जाते हैं. किसी का काम होता है, किसी का नहीं भी होता, लेकिन दे हैव एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है. हम ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उनका, नंबर वन. GDA में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे लोग मतलब मिलना भी पसंद नहीं करते या समझते हैं कि रिस्पांस नहीं मिलेगा. कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनकी कोई पॉलिटिक्स में रेपुटेशन नहीं है, कुछ नए अपने आप को ट्राई करते हैं. तो वो जब पिछली इलेक्शन में भी ये बड़े तबसरे हुए बदकिस्मती से, वो बातें जो है ना नेशनल मीडिया पे नहीं आती, लेकिन सिंधी फुल फ्लेज एक मीडिया है तो उसमें डिस्कस होती हैं. अब वो कहते हैं कंपेयर करो. जब कंपेयर करते हैं तो लीडरशिप से लेके कारकर्दगी तक GDA से लोगों की जो उनकी लीडरशिप से और मुस्तकबिल में जो अंदाजे हैं उससे, वो समझते हैं कि इस लीडरशिप से तो ये जो है ये ठीक है. चाहे वो हमें शिकवा शिकायत हैं, डिलीवर उतना नहीं कर पा रहे जितनी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली वो ठीक है. यही वजह है कि GDA को अभी तक रिस्पांस नहीं मिल रहा. चलें कलाची साहब, अब इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, डॉक्टर साहब अभी यहीं हैं, फिर एक दफ़ा महफिल लगाएंगे और बातचीत करेंगे. अल्लाह ताला हालात ठीक करे और हम अच्छी अच्छी बातें करें. टाइम ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ का एक टाइम है, हमारा भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह बैठेंगे. बहुत शुक्रिया आपको, आपने बुलाया हमें. थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी. नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे. आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ लियाकत नवाज़ मलिक आज के तबसरा से इजाज़त चाहता है. इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे. अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर. पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद.